आज है सावन का सोमवार, इसके लिए हमने बनाई है साबूदाने की खीर जो कि आप व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं साबूदाने की टेस्टी टेस्टी क्या सुपर से भी ऊपर वाली टेस्टी साबूदाने की खीर जो कि झटपट बन जाएगी और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वाद देगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं साबूदाने की खीर। इधर हमने एक कटोरी साबूदाना ले लिया है और इसको हम 3-4 पानी से धो के अच्छे से भिगो देंगे। तो इसको पहले हम धो लेते हैं 3-4 पानी से ताकि इसमें जो भी डस्ट लगा हो वो साफ़ हो जाए। हमने साबूदाना धो के पानी इसमें ले लिया है, अब इसको हम आधा घंटा के लिए भीगने देंगे। हमने एक पतीला ले लिया है, पतीले में डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसमें डालेंगे हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इधर हम दूध को उबलने देंगे और दूध को कम से कम 15-20 मिनट तक उबाल लेंगे अच्छे से ताकि दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दूध में हमारा एक उबाल आ गया है और फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम और इसको आराम से हम उबलने देंगे, लेकिन बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। इधर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, थोड़े से काजू ले लिए कट करके, थोड़े से बादाम कट करके ले लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ले ली है, थोड़े से छुआरे ले लिए हैं बिना बीज के थे, इनको भी छोटा छोटा काट लिया है। इधर हमने 2 चम्मच नारियल का बुरादा भी ले लिया है। हमारा दूध भी लगभग 15-16 मिनट उबल चुका है अच्छे से। इसमें डाल देंगे अपना सोक किया हुआ साबूदाना। और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट की और उबालेंगे। ये देखिए हमारा साबूदाना 10 मिनट हो गए दूध में उबलते हुए। इसमें डाल देंगे हम चीनी, चीनी अपने हिसाब से डालिए जैसे आपको मीठा कम ज़्यादा पसंद हो। और साथ में हम डाल देंगे अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी और सबको खूब बढ़िया से कर देंगे हम मिक्स। और इसको भी हम 10 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए हमने साबूदाने को चीनी और ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी 10 मिनट और पका लिया है। कितना बढ़िया से हमारा साबूदाना पक गया है। फ्लेम बंद करके हम इसको ढक के रख देंगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए। ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी साबूदाने की खीर बनके हो गई तैयार। खाइए और बताइए कैसे बनी है। देखिए देखने से तो बहुत बढ़िया लग रही है, अब आप खा के बताइए कैसे बनी है। अगर आपको अच्छी लगे हमारी रेसिपी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन एक बार साबूदाने की खीर बना के खाइएगा, जरूर मज़ा ही आ जाएगा। और सोमवार का व्रत चल रहा है तो व्रत में बनाइए और खाइए।